हेलो एवरीवन, मेरी कुकिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड नमस्ते। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत की थाली। तो इस थाली में डिश तो ज़्यादा नहीं होंगी, पर नमकीन भी होगा और मीठा भी होगा। अगर आपका कुछ बनाने का मन नहीं है तो आप झटपट से ये थाली व्रत की तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लौकी से कुछ मीठा। तो मैंने इस तरह से लौकी को कद्दूकस कर लिया था और फिर इस तरह से फ्राई पैन में 1 चम्मच घी डाल करके उसमें लौकी को डाल दिया था। तो देखिए, जब हमने लौकी को गर्म किया तो लौकी ने पानी छोड़ दिया है। तो आपको इसको तब तक भूनना है जब तक हमारा ये पानी सूख ना जाए जो लौकी में से निकला है। तो देखिए, लौकी ड्राई हो चुकी है और हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम फुल क्रीम 1 कटोरी दूध डालेंगे और इसमें मैंने 2-3 चम्मच फ्रेश मलाई का यूज किया है। अब इस तरह से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और जब दूध थोड़ा कम हो जाए तो फिर इसमें हम चीनी डालेंगे। तो चीनी डालूंगी मैं 4 से 5 चम्मच। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हो और फिर इस तरह से चलाते रहेंगे। अब इसको आपको छोड़ना नहीं है, सिर्फ चलाते ही रहना है लगातार। अब इसमें हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और थोड़ा डालेंगे इलायची का पाउडर। और ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये साइड में लगने लगा है तो समझ लीजिए कि हमारी डिश ये बनकर तैयार होने वाली है। इस तरह से हम 1 से 2 मिनट तक चलाते रहेंगे कि जब तक ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। तो देखिए, इसका थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है तो समझ लीजिए कि ये हमारी डिश बनकर तैयार हो गई है। तो इस डिश को हम लौकी का हलवा भी कह सकते हैं या लौकी की लोच भी कह सकते हैं। तो खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप व्रत में झटपट इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ठीक हो जाएगा तो हम कर देंगे गैस को बंद। तो हमारी लोच बनकर तैयार हो गई है। अब हम कुछ नमकीन बनाएंगे। तो नमकीन में हम एक आलू की सिंपल सी रेसिपी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इस रेसिपी को व्रत में बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए, मैं 1 चम्मच भर करके घी डाल लूँगी और घी डालने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक सिंपल सी रेसिपी है। तो मैंने 1 चम्मच भर करके इसमें जीरा डाला है। अब इसमें हम 4 से 5 करी पत्ता और 1 मिर्च काट करके डालेंगे और उबले हुए आलू को मैंने कुछ इस तरह की शेप में कट कर लिया था। अब इस तरह से इसको चलाएंगे हल्का सा। अब इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी देगी मिर्च 1 चम्मच और फिर इसमें हम आलू को डाल देंगे और फिर इस तरह से आलू को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये रेसिपी। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब ऐसे ही हम 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने आलू की इस रेसिपी में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये जो रेसिपी है खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। अब इस तरह से 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। तो जो गैस का फ्लेम है वो धीरे ही रखना है और फिर इस तरह से चलाते रहेंगे। तो समझ लीजिए कि ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इधर देखिए, हमारी जो लौकी की लोच थी वो भी ठंडी हो गई है। तो देखिए, ये एकदम बढ़िया हो गई है। अब तो हम इसको एक बर्तन में पलट लेंगे। अब मैं आपके लिए बनाऊंगी कुट्टू का पराठा। तो मैंने देखिए, ये पैकेट वाला कुट्टू लिया है। आप जब भी कुट्टू का पराठा बनाएं तो आप जो ये पैकेट वाला आता है वही लीजिए, अच्छी क्वालिटी का।
अब इस तरह से मैंने उबले हुए चार पांच आलू लिए हैं, इस तरह से हम इनको कद्दूकस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक, हल्का सा नमक डालना है आपको। अब इसमें हम डालेंगे कुट्टू का आटा। तो इस तरह से मैं लगभग एक कप इसमें आटा डालूंगी। तो आटा डाल लिया है हमने, अब इस तरह से आलू के साथ आटे को अच्छे से मैश करना है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जब हम आलू को कुट्टू के आटे के साथ मैश करते हैं तो जो आटा है मैश करने के बाद वो बहने लगता है, मतलब कि वो फैल जाता है, और जब हम उसके पराठे बनाते हैं तो पराठे बनने भारी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी ये कुट्टू का आटे का पराठा बनाओ तो आप जो आलू है ना उबले हुए, वो छोटे आलू का ही यूज कीजिए, उससे बढ़िया पराठे बनते हैं। अगर आप बड़ा आलू लेते हैं तो वो फैलने लगता है कुट्टू के आटे के साथ जब हम आलू को मिलाते हैं। तो आप जब भी बनाएं व्रत में तो छोटे आलू का ही यूज करें। तो इस तरह से देखिए, हमने एक डोसा तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब इस तरह से हम आटे को सॉफ्ट कर लेंगे, हल्का सा हाथों को घी लगाएंगे और फिर इस तरह से आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, अब जितने हमें इसमें पराठे बनाने हैं तो हम उतनी ही लोइयां बना लेंगे। तो इतने आटे में लगभग मेरे 5 पराठे बनेंगे। तो इस तरह से हम लोइयां बना लेंगे। तो इसमें मैं एक छोटा पराठा भी बनाऊंगी गाय के लिए, क्योंकि हम जब भी व्रत में अपने लिए कुछ बनाते हैं तो पहले गाय के लिए निकालते हैं। तो मैंने एक छोटी सी ये लोई बना ली है। अब तवे को गैस पर रखेंगे गर्म होने के लिए। तो मैंने देखिए घी लिया है और ये थोड़ा आटा लिया है पलोथन के लिए। तो हमारा जो तवा था वो गर्म हो चुका है, तो पहले हम छोटा सा पराठा बना लेंगे। तो हमारे आसपास गाय तो मिलती नहीं है, तो हम जो पराठा है वो बाहर, अगर जैसे चिड़िया आती हैं या कौवे आते हैं ऊपर, तो हम ऊपर रख देते हैं तो वो खा लेते हैं। अब इस तरह से मैं पराठा बना लूँगी। तो थोड़ा सा हम पलाथन लगाएंगे और फिर इस तरह से पराठे को बेल लेंगे। तो पराठा हमने बेल लिया है, अब जो हमारा छोटा सा पराठा था वो भी बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर हम इसको रख देंगे निकाल करके। अब इस पराठे को हम तवे पर डाल देंगे और जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं वैसा ही पराठा बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने पलट दिया है, अब इस पर हम घी लगाएंगे हल्का हल्का सा। ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है, व्रत में ज़्यादा ऑयल खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का ही खाना चाहिए। तो इस तरह से मैं हल्का हल्का सा इस पर घी लगा लूँगी, बहुत ही एकदम हल्का हल्का सा। तो देखिए पराठा हमारा फूलने लगा है। तो इस तरह से अलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। तो हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो हमारी व्रत की थाली तैयार है। तो देखिए, हलवा, आलू की सब्जी और पराठा। तो इस तरह से देखिए हमने सभी पराठों को बना लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी व्रत की थाली पसंद आई हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, थैंक यू, बाय।